नमस्कार दोस्तों, लाइफ एंड फूड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है छोले। चटपटे छोले बनाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए बड़ी मात्रा में लहसुन, दो प्याज, दो टमाटर, हरे मिर्च, जीरा, तेज पत्ता और सूखे मसाले, दालचीनी, काली मिर्च, हरी इलायची, बड़ी इलायची, और हम चाहें तो जो मसाले हैं सूखे वाले, इसको हम बांध के कॉटन के कपड़े में, साफ़ कपड़े में बांध के कुकर में मटर के साथ सीटी लगवा सकते हैं। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, भूल जाते हैं या हमें ऐसा पसंद नहीं है, तो हम सूखे मसाले ऊपर से भी डाल सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, हमने 4 से 5 मिनट तक काबुली चने को भिगो के रख लिया था, अब हमने इसको उबाल लिया है। इसमें हमने 2 आलू भी उबाले हैं ग्रेवी को गाढ़ी करने के लिए। आपको नहीं गाढ़ी करनी है ग्रेवी तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी करनी है तो आप इसको डाल सकते हैं। कैसे डालेंगे वो भी हम वीडियो में आगे दिखाएंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे मिक्सी का जार, उसमें हम लहसुन, मिर्च और जो सूखे मसाले अगर आपने उबालते समय नहीं डाले थे तो इसमें आप पीस सकते हैं सिलबट्टे पर, या कैसे अलग अलग भी अगर आपको पीसना है तो आप पीस के डाल सकते हैं। हम ऐसे ही डाल रहे हैं तो इसको हम पीस लेंगे, और पीस करके थोड़ा सा हम इसको दरदरा पीसेंगे, बहुत ज़्यादा इसको अच्छा पेस्ट नहीं बनाना है। और हमको अदरक भी डालना है, लेकिन अदरक हम प्याज के साथ डालेंगे क्योंकि उसको बहुत ही अच्छे से पीसना है। ये हमने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में हमने तेल डाल दिया है, तेल की मात्रा सब्जी से डबल रहेगी, मतलब 4 से 5 स्पून रहेगी। और ये तेज पत्ता डाल दिया, तेज पत्ता होने के बाद हम जीरा डालेंगे। जीरा जब हो जाएगा, पक जाएगा, तो फिर हम उसमें डालेंगे दालचीनी और अच्छे से इसको एक बार चला देंगे तो ये चारों तरफ से जैसे पक जाए। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लहसुन, मिर्च और सूखे मसाले पीसे थे, उसको हमने दरदरा पीस लिया है। अब हम उसको इसमें तेल में डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, मतलब थोड़ा सा लाल हो जाने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको डालते हैं। ये देखिए, डाल दिया है हमने तेल में, और अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए, अदरक और प्याज भी हमने पीस करके इसमें डाल दिया है, मिक्सी में हमने पीस लिया है। आप चाहें तो बहुत फाइन, बहुत छोटे छोटे आकार में भी प्याज को काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा तभी जाके ग्रेवी में प्याज घुला रहेगा, नहीं तो प्याज अलग अलग पता चलता है। इसलिए हमने इसको पीस लिया, काटने से अच्छा हमें लगा कि हम पीस लें। तो ये देखिए, प्याज भी हमने हल्का भून लिया है। प्याज जब आधा भून जाएगा तभी हम उसमें हल्दी, गरम मसाला, धनिया, और देखिए हमने गरम मसाले में ही धनिया पहले से मिक्स करके रखा था, और जीरा पाउडर हल्का सा डालेंगे इसमें और इसको अच्छे से भुनेंगे। हमने प्याज आधा पकने पर ही मसाला इसलिए डाला क्योंकि प्याज आधा पका हुआ है, मसाला जो है वो भी प्याज के साथ पक जाएगा, और फिर हम ऊपर से जब टमाटर डालेंगे तो टमाटर के साथ भी मसाला पकेगा। तो देखिए दोस्तों, ये हमने मसाला डाल लिया है, मसाला और प्याज। अब हम इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे, फिर हम इसमें ये 2 पीसे हुए टमाटर डालेंगे। तो ये देखिए, हमने ये टमाटर डाल दिया, अब हम इसको काफ़ी देर तक भूनेंगे दोस्तों, और इतना कि ये तेल छोड़ने लगे और पता चले कि पक गया है, इतना हम इसको भुनेंगे। देखिए एकदम मसाला पक गया है। जब मसाला पक जाए तो हम उसमें आलू एकदम फोड़ करके, महीन करके उसमें डाल देंगे। और देखिए, हमने डाल दिया, अब इसको अच्छे से इसमें भून लेंगे। कहते हैं कि आलू अगर उबला हो तो उसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसको हम आलू तब डालेंगे जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, जिससे हमें उसके बाद ज़्यादा भूनना ना पड़े। तो देखिए, हमारा यहाँ पे मिक्स रेडी है मसाले का। अब हम इसमें उबला हुआ चना डालेंगे, काबुली चना। हम काबुली चना के छोले बना रहे हैं तो हम उसको डालेंगे। तो उबला हुआ काबुली चना है जिसका हमने पानी निकाल लिया है। अब हम काबुली चना डालेंगे, और उसके साथ ही हम, क्योंकि वो भी उबला है तो उसको ज़्यादा देर तक उसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसको डाल के केवल छोड़ देना है। बस यही कि चारों तरफ से हम उसको पकाएंगे। ये देखिए दोस्तों, मसाला अभी भी हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है, तो हम इसको अभी भी थोड़ा और चलाएंगे,
और चलाने के बाद ही चना डालेंगे इसमें, काबुली चना। जैसे देखिए लगने लगा है, मतलब मसाला, जब तक मसाला हल्का हल्का तेल छोड़ेगा तब तक इसका मतलब है कि हमें थोड़ा और भूनते रहना है। जब मसाला आपको लगे कि सूखने लगा है तब हम उसमें अपना सब्जियां डाल देंगे। देखिए हमने मटर डाल दिया है, अब हम इसको चारों तरफ से चला देंगे। क्योंकि हल्का पानी रह ही जाता है तो इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है, केवल मसाले इसमें अच्छे से लग जाएं, मसाले नीचे जलने नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको चारों तरफ से चला देते हैं। आपको अगर भूनना पसंद है या चना थोड़ा कम है तो आप अच्छे से इसको भून सकते हैं, लेकिन उबली हुई चीज़ों को ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए। तो ये देखिए हो गया, अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो यहाँ हमने 2 ग्लास पानी डाला है। आपको ग्रेवी जिस प्रकार से रखनी है, कम ज़्यादा, तो आप उस प्रकार से रख सकते हैं। हमने 2 ग्लास पानी इसमें डाला है क्योंकि हम इसके साथ स्टिकी राइस भी बनाएंगे। आप भी स्टिकी राइस बना सकते हैं। अगर आपको जानना है कि स्टिकी राइस कैसे बनता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बहुत इजी वीडियो आपके लिए लाते हैं दोस्तों, जो आप घर पे बड़े आसानी से बना लें। तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप कमेंट करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमेशा हमें कमेंट करके, आपको और कोई नई रेसिपी चाहिए तो आप उसके बारे में भी हमसे पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारा छोला उबलने लगा है, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। हम यहाँ हमारा मटर मसाला सब पका, हमारा चना मसाला सब पका हुआ है, तो हम केवल पानी को पका रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। पानी देखिए पक गया है, समझ में आने लगता है जब छोला थोड़ा गाढ़ा होने लगता है, पानी का की मात्रा थोड़ी कम होने लगती है, तो हम समझ जाते हैं कि अब छोला पक चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करने के लिए अगर हमें छोला ऐसे ही खाना है तो हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। बड़े बर्तन में निकालने के बाद अब हम उसको थोड़ा सा उसमें डालेंगे प्याज, ऊपर से कटा हुआ प्याज, और टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, और आप चाहें तो धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत लोग अनारदाना भी डालते हैं। तो दोस्तों हमने इसको चाट नहीं बनाया, छोला बनाया है, तो आप अनारदाना स्किप कर सकते हैं। तो ये हमने नींबू की कुछ बूंदें डाल दी हैं। अगर मसाला आपको ज़्यादा लगे कि मसाला ज़्यादा है, घर में कोई बड़े बड़े बूढ़े हैं जो नहीं खा पाएंगे, तो आप इसमें नींबू की मात्रा थोड़ा ज़्यादा, और उतारने से पहले, छोला बंद करने से पहले हम उसमें बटर डाल देंगे, तो उससे नमक और मसाले सब बैलेंस हो जाते हैं। ये देखिए ये हमारा छोला बनके एकदम रेडी है। आप इसको ट्राई करें, हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा छोला कैसा लगा, और ऐसे आप चावल के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। चावल के साथ भी खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं।